हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जीवन के एक पार्ट के बारे में जिस पे बहस करते हुए बहुत सारे लोग अक्सर आपको देखते हुए मिलते हैं। बहुत सारे लोग अक्सर चौराहे पे, ऑफिसेज में, हर जगह कहीं ना कहीं इस बात पे बहस करते हैं कि हमारे जीवन में कर्म का बड़ा रोल है या भाग्य का बड़ा रोल है। शायद आप भी ऐसा बहस कई बार करते होंगे और आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि आप आखिर किस तरफ जाएं, कर्म प्रधान है या भाग्य प्रधान है। क्या आपके साथ भी इस तरह की समस्याएं आती हैं? क्या आप भी इस तरह की चीजों पे बात करते हैं? यदि आप करते हैं तो आप बने रहें इस वीडियो के साथ में। अगले 2 से 5 मिनट तक आपको आज हम बात करेंगे कर्म और भाग्य में क्या फर्क है। दोस्तों, कर्म और भाग्य हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसको आज तक कोई भी सही ढंग से ना तो एक्सप्लेन कर पाया है और ना ही समझ पाया है। अगर हम कर्म की बात करें तो दोस्तों, कर्म वह चीज है जो हमारे जीवन का कोई भी कार्य करने से पहले हमें बाधित करती है उसे करने के लिए। दोस्तों, कर्म का अर्थ है किसी कार्य को करने के प्रति गतिशील रहना। यदि हम किसी कार्य को नहीं करते हैं तो कभी भी हम भाग्य की तरफ उसका इशारा नहीं समझ सकते। भाग्य में यदि आपके कोई चीज है या नहीं है, ये कोई भी तय नहीं कर सकता, क्योंकि यदि कर्म में कोई चीज है और कर्म किए बिना भाग्य में मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक कर्म नहीं करेंगे भाग्य तय नहीं हो सकता। इसके पीछे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं, बहुत सारी बातें रखी जा सकती हैं, लेकिन मैं आपके बीच में कुछ चीजों को रखना चाहूंगा। इससे पहले, यदि आपने हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें। कर्म किए बिना कभी भाग्य मिल नहीं सकता और ऐसा हो नहीं सकता कि हम भाग्य के भरोसे बैठकर जीवन में कुछ अचीव कर लें। हाँ, ये बात अलग है कि आपके भाग्य में यदि कोई चीज है तो वो आपको मिलेगी, किंतु बिना कर्म के वह कभी भी नहीं मिल सकती। मुझे विश्वास है कि आप भी इस बात से सहमत होंगे, लेकिन मैं भाग्य को यदि दूसरी डेफिनेशन में देखूं, भाग्य की अगर दूसरी डेफिनेशन के बारे में बात करूं, तो भाग्य को 4 शब्दों से जोड़कर मिलाया गया है जिसको हम इंग्लिश के शब्दों से लेते हैं, जिसमें सबसे पहले LUCK, लक, 4 शब्दों से मिलकर बना हुआ एक शब्द है। यदि हम इसकी सही परिभाषा पे जाएं और इसको एलिब्रेट करके, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम देखें, तो L फॉर लेबर, U फॉर अंडर, C फॉर करेक्ट एंड K फॉर नॉलेज। इट मींस लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज इज कॉल्ड लक। यानी कि किसी भी कार्य को सही ज्ञान के नीचे रहकर करने को लक कहा जाता है। अर्थात यदि हम किसी कार्य को सही तरीके से नहीं करेंगे या उसका ज्ञान नहीं रखेंगे या हमें किसी कार्य का ज्ञान सही नहीं होगा तो उस कार्य में हमें सफलता मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें लक को एक जगह पर मानने में कोई भी आपत्ति नहीं है, किंतु केवल लक के भरोसे ही आपके जीवन में हर चीज संभव हो जाए, ऐसा मानना निरीमूर्खता भरा है। तो दोस्तों, लक को इसी डेफिनेशन के माध्यम से यदि हम देखें तो हमें सही ज्ञान के अंडर रहते हुए किसी कार्य को करने को ही लक के रूप में जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप इस डेफिनेशन से बिल्कुल संतुष्ट होंगे और इसी डेफिनेशन के साथ में हम अपने जीवन में हर कार्य को करने के लिए तैयार होंगे। मैं विश्वास करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।